पढ़ाई में भी ठीक बैठ पढ़ाई रहे में हैं। बिल्कुल ठीक। दिल्ली जाते हैं तो उसको कभी मैंने देख के बोला है उसको ठीक है वो क्या फिर थोड़ा करो थोड़ा उसको क्या पता लग सकता है। घर आके पैसे तो खर्च हो जाएंगे दोबारा इतनी दिक्कत होगी हम पैसे कहाँ से इकट्ठे सही करेंगे। बात है। पढ़ेंगे तो ऐसे सब दिक्कत होती है लेके जा सकते हैं वहाँ पे। हाँ ये तो भाई है कायम ही हो, ये तो उम्मीद यही है कि कभी तो बात कभी तो होगी। बने और यहाँ का डॉक्टर भी है यू का पता है यू आर का पता नहीं क्या होता है अगर वो बढ़ गया पिया ये हार्ट बीट देखो बहुत कुछ है अभी इसको अभी की मुश्किल में आने से बहुत खराब हो चुका है। पर मैं सर 2016 में गया था तो इसके हार्ट में प्रॉब्लम आई थी तो इसको डॉक्टर ने ये बोला था कि एवी कैनाल रिपेयर होना है। उसके लिए हमने पैसे भी जमा करा दिए और इकमो मशीन का रेंट भी जमा करा दिया और आज तक हम उसके लिए धक्के खा रहे हैं। मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरी बेटी का इलाज हो जाए बस, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। इसका पीआर बढ़ गया तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। क्या बोलते हैं डॉक्टर वहाँ के? डॉक्टर वहाँ पे जाके कहते हैं जी बेड नहीं है। जो 2017 में उनसे लिखवा के भी ले लिया था और 2017 से आज 2024 तक उनके पास क्या बेड अवेलेबल नहीं हुआ। जब भी जाते हैं आपके पास कॉल आ जाएगी या कोई टेस्ट करवा लेते हैं, बस इसी के लिए टाइम टू टाइम चक्कर कटवा रहे। क्या क्या बीमारी है या क्या क्या इसका बोलते एवी कनाल है, हार्ट का कोई जॉब है बताया गया, हार्ट का कोई टुकड़ा उतरा हुआ है वो उसका चिपका रहा है जिसके इसका ब्लड का सर्कुलेशन बाहर आता रहता है और इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। और क्या क्या दिक्कत होती है? बस वही मेन दिक्कत वही है सर। बाकी तो गर्मी सर्दियों में जब खांसी चेंज होती है तो हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है जो हम यहाँ पे। कुछ ऐसा भी होता है गर्मी वगैरह का ज़्यादा लगता हाँ है? इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इतनी सर्दियों में भी ये बिना कंबल के सोती है। ये जिस तरह कि किस टाइप के बच्चों में होती है ये बीमारी? ये हार्ट के लिए ज़्यादा होती कैसे बच्चों में पाई जाती है? है, जो अपना टाइम से पहले पैदा हो जाए, 8वें महीने में हुई थी, इस चक्कर भी हो सकता है। उसके बाद इसका निमोनिया बिगड़ गया था उसमें भी हो सकता है। इस आपने पैसे जमा करा दिए? पैसे सर उसी समय मैंने 2016 में जमा करा दिए 2017 में, और जैसे जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा मैंने उसी तरह ही जमा कराए। इसके लिए खून जमा करवाया 2016-17 में भी, पर ब्लड भी सर्जरी डिपॉजिट जमा करा चुका हूँ। पर सर्जरी हुई नहीं? सर्जरी आज तक नहीं हुई सर, आज तक धक्के खा रहे हैं। और जब भी जाओ तो वो एक ही बात कहते हैं कि आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा।
कहीं और इलाज संभव है इसका? इसका कहीं और संभव नहीं है। जिन जिन डॉक्टर के पास मैं गया हूँ बाहर, एक ही एम्स, वो तो सीधे कहते हैं एम्स से बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं है। इसीलिए हमें विश्वास है कि वो डेली 2-4-5 ऑपरेशन ऐसे करते हैं उनका। किसी स्थानीय नेता, मंत्री या किसी भी एमएलए? मैं प्रमोद विज जी का भी लेटर लेके गया था, तब भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एम्स के एमडी का भी लिखवाया था, डायरेक्टर का, उन्होंने उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। क्या बोलते हैं वो? कहते हैं उठा के डस्टबिन में डाल दो फाड़ के। कोई सुनाई नहीं। क्या चाहते हैं? बस वो, मैं तो यही चाहता हूँ सर, मुझे पैसे वापसी मिलो ना। बोलो मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए, जिसे स्वस्थ हो।